मैं आज आपको 13 मंत्र बताता हूं जो सूर्य को अर्घ्य देते समय बोलते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, पर मैं उनका थोड़ा अर्थ बता दूं आपको। सब सुनना ध्यान से। सूर्य भगवान को जल देते समय ये 13 मंत्र बोले जाते हैं, और इन 13 मंत्रों का कितना सुंदर अर्थ है। और अगर सूर्य भगवान को जल देते समय रोज सुबह ये 13 मंत्र आप बोलें और इन मंत्रों का अर्थ अपने दिल में लाएंगे ना, बड़ा आनंद आएगा। सूर्य भगवान को जल देने का एक विशेष आनंद आप कल से अनुभव कर सकोगे। कल से सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है। और देवी देवताओं के हमने नाम सुने हैं, परंतु वो मूर्तियों में दर्शन देते हैं। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देव है। सरकार लाइट देती है तो हर महीने बिल भी भेजती है। अगर आप बिल अदा नहीं करो तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। पर सूर्य भगवान इतने वर्षों से लाइट देते हैं, कभी बिल भेजा ही नहीं किसी के पास। ऐसे सूर्य नारायण हम सबके हितैषी हैं। नौ ग्रहों में प्रथम पूजा सूर्य भगवान की होती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु, सूर्य भगवान का नाम, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये पहले सूर्य की पूजा होती है। सूर्य नारायण का बड़ा उपकार है, इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है रोज सूर्य नारायण को अर्घ दें। और अर्घ देते समय शुरुआत में ये बोलना, फिर 13 मंत्र मैं बताऊं। और मंत्र कई आप लोग जानते भी होंगे, पर उसका अर्थ बड़ा सुंदर है। छोटा सा है पर बहुत सुंदर है। 13 मंत्रों का पहले शुरुआत, आदिदेव नमस्तुभ्यम्। आदिदेव नमस्तुभ्यम्। प्रसीद मम भास्करम्। प्रसीद मम भास्करम्। दिवाकर नमस्तुभ्यम्। दिवाकर नमस्तुभ्यम्। प्रभाकर नमोस्तुते। प्रभाकर नमोस्तुते। हे भगवान सूर्यदेव, आप आदिदेव हैं। हम सभी भक्त आपको प्रणाम करते हैं। आप हम पर कृपा करें। प्रसीद मम भास्करम्, हम इन 13 मंत्रों के द्वारा आपकी वंदना करते हैं। 13 मंत्रों में पहला है ओम सूर्याय नमः। सब बोलना एक बार, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। इसका अर्थ, सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े हैं। 7 घोड़ों से सुसज्ज सूर्य नारायण उस रथ में विराजमान है, और उन 7ों के 7 घोड़ों पर नियंत्रण है। अर्थात हम अपने जीवन में, गुरु भी एक सूर्य है। जैसे सूर्य नारायण रात्रि का अंधेरा मिटाते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार मिटाते हैं। सूर्य नारायण अंधेरा मिटाते हैं तो हमें ये जगत दिखता है, पर गुरुदेव जब अज्ञान का अंधेरा मिटाते हैं तो जगत का प्रकाशक जगदीश्वर का अनुभव हो जाता है, उसका दर्शन हो सकता है। इसलिए गुरु भी सूर्य हैं। तो 7 घोड़ों से सुसज्ज रथ में सूर्य भगवान विराजमान है, उसी प्रकार गुरु भी। 7 केंद्र जो हमारे शरीर में हैं, उन 7 केंद्रों की यात्रा कराते हैं। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से विशुद्धाख्य, विशुद्धाख्य से आज्ञा चक्र, इस प्रकार गुरुदेव हमारी ऊंची यात्रा कराते हैं। 7 केंद्रों की यात्रा करा के मुक्ति का अनुभव कराते हैं। माने नीचा जीवन छूट जाता है, ऊंचा जीवन शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको चॉकलेट दो तो खुश हो जाता है, है ना, खिलौना दे दो तो राजी हो जाता है। परंतु बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो चॉकलेट और खिलौने से राजी नहीं होता। अभी आपको कोई चॉकलेट दे तो
अरे चल चल तेरे पास रख, देखनी चॉकलेट के कोई खिलौना लाए छोटा तो। अरे हट। तो जैसे बचपन में खिलौने और चॉकलेट अच्छे लगते थे, पर अभी बड़े हो गए तो खिलौने और चॉकलेट से राजी नहीं होंगे, तो गुरु एक ऐसे बड़प्पन का अनुभव करा देते हैं कि दुनिया के जितने भी तुच्छ और क्षुद्र सुख हैं वो सब फीके लगने लगते हैं, वो सब बौने लगते हैं, फीके लगते हैं। फिर तो क्या होगा, जैसे मोर होता है ना, मोर, मोर के आगे आप आइसक्रीम रखो और बोलो नाच के दिखा, नहीं नाचेगा, पर मोर बादलों को देखकर नाचने लग जाएगा, है ना, आकाश के बादल देखकर वो खुश हो जाता है। उसी प्रकार हमारा मन मयूर भी संसार के भोगों में राजी नहीं होगा, वो तो भगवान का नाम सुनकर झूम उठेगा, गुरु का दर्शन करके झूम उठेगा, गुरु की वाणी सुनकर झूम उठेगा और ऊंची यात्रा पर आनंदित होगा, नीची यात्रा पर आनंदित नहीं होगा। तो सूर्य नारायण के नमन में 13 मंत्र हैं, उसमें पहले ओम सूर्याय नमः का ये अर्थ है कि हमारी सातों केंद्रों की यात्रा क्रमशः होते होते हम ऊंचा जीवन जीना शुरू कर दें। हे सूर्य भगवान, ओम सूर्याय नमः, ये भाव। इंसान अपने आप का मित्र है अगर अग्नि की ज्योति की तरह ऊपर उठता है तो, और इंसान अपने आप का शत्रु है बहते हुए पानी की धारा की तरह अगर घाटियों की ओर बहता जाता है तो अपने आप का दुश्मन है। इसलिए वेद में प्रार्थना की गई, ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे प्रभु, अग्नि की ज्योति की तरह हम ऊंचे उठें, हम ऊंचा जीवन जिए। और याद रहे, जीवन काल में जो ऊंचा जीवन नहीं जी पाया ना, मरने के बाद उसकी ऊंची गति नहीं होगी, संभव ही नहीं है। तो दूसरा, ओम मित्राय नमः। हे सूर्य भगवान, आप सबके मित्र हैं। भागवत में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को 35 प्रश्न पूछे हैं, उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा है, मानव जात का सच्चा हितेशी मित्र कौन है? तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, मानव जाति के सच्चे हितेशी मित्र एकमात्र सदगुरु हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साहब मेरी बात आप मत मानो पर भगवान कृष्ण की बात तो मानो। भगवान कहते हैं मानव जात के सच्चे हितेशी सखा बंधु गुरु हैं। दोस्त क्या करते हैं, दोस्त भाई देखो स्कूल में पढ़ते थे, दोस्ती हो गई, अरे कैसे हो, साथ में खाना खाया, कोई साथ में फिल्म देखने जाते हैं, कोई क्लब में जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, पर हकीकत में वो दोस्त हमको जन्म मरण से छुड़ा नहीं सकते। पर सद्गुरु ऐसे मित्र हैं कि जो हमें जन्म मरण से छुड़ाने का सामर्थ्य रखते हैं, खाली बात ही नहीं करते दम भी रखते हैं, उनमें सामर्थ्य है, उनमें गुरुता है, गुरुता के कारण ही वो गुरु हुए हैं। ये बापू जी की गुरुता है कि व्यसनियों के व्यसन छूट जाते हैं, बापू जी को कहना नहीं पड़ता शराब छोड़ दो, छूट जाती कईयों की, तंबाकू छोड़ दो कहना नहीं पड़ता बापू जी को, कईयों की छूट जाती अपने आप, ये गुरु की गुरुता है। तो ओम मित्राय नमः, हमारे सच्चे मित्र हैं वो। सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय तीसरा मंत्र बोला जाता है, ओम रवये नमः। रवये नमः माने सूर्य भगवान स्वयं प्रकाशवान है, प्रकाश पुंज है, सारी धरती को प्रकाशमान कर देते हैं, दूसरों को प्रकाशित करते हैं, खुद भी प्रकाशवान है। उसी प्रकार हे गुरुदेव, आप स्वयं प्रकाशवान है और आप हमें भी प्रकाश प्रदान करते हैं ताकि हमें भी रास्तों के खड्डे और कांटे दिखें, हम भी कहीं ठोकर न खाएं, हम भी कहीं गिर न जाएं। और मैं तो कहूं गुरु का सुमिरन भी प्रकाश प्रदान करता है। सुमिरन में जो दृढ़ रहे टूटे कभी ना तार, साधक ऐसा सहज में हो जाए भव पार। गुरु का सुमिरन, परंतु फिर गुरु का सुमिरन करते रहना, दर्शन तो हो पर गुरु का सुमिरन, वो हमें प्रकाश देगा, हमारे हृदय से तम को दूर कर देगा। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, और
आप देखना, आपका अनुभव होगा, अगर श्रद्धा भक्ति पक्की होती है ना तो गुरु के सुमिरन में आंखें भर आती हैं। जो दूर दूर तक साधक रहते हैं, साधिकाएं बहने रहती हैं, सुबह जप करते हैं और जब उनको बापूजी की याद आती है कि बापूजी ने मुझे ये आज्ञा दी थी, बापूजी ने मुझे ये कहा था, ऐसा कहा था, ये जब याद आता है ना उनको, तब उनकी आंखें भर आती हैं। और जब गुरु की याद में आंख भर आए, आंख से आंसू बह चले, तो समझना आपकी याद भी उन तक पहुंच चुकी है कि कोई मेरे को याद कर रहा है। गुरु की याद में शिष्य की आंख से जो आंसू बहते हैं ना, वो आसमान से बरसती हुई बरसात को फीका कर देते हैं। कई लोग बड़े सेठ होते हैं, परंतु उनकी आंखों में अगर आप देखेंगे ना, तो उनकी आंखों में निर्धनता होती है। उनकी आंखें धनवान नहीं होती हैं, उनका हृदय देखो तो रेगिस्तान होता है, उनका हृदय देखो तो सूखा तालाब होता है। जैसे तालाब बहुत गर्मी में सूख जाए तो उस तालाब में दरारें पड़ती हुई दिखती हैं, और उन दरारों में जहरीले सांप और बिच्छू आकर के बस जाते हैं। उसी प्रकार जिनके दिल में भक्ति नहीं गुरु के लिए, जिनकी आंख में आंसू नहीं गुरु के सुमरण के, उनका हृदय रेगिस्तान हो जाता है। फिर वहां काम विकार और क्रोध विकार रूपी सांप और बिच्छू आकर के बस जाते हैं। और जो लोग गुरु से दूर रहते हैं, भाई कुछ कारण होते हैं, रोज दर्शन नहीं हो पाते गुरुदेव के, पर रोज सुमरण होता है, और सुमरण में दिन में एक बार भी अगर सुमरण करते करते गुरु की याद में आंसू आ जाते हैं, तो समझना भले बाहर से नहीं, पर गुरु के दिल में आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई कि मेरा शिष्य आया, उसने मेरे दिल में, अपने दिल में मुझे बुलाया। और जिसने अपने दिल में गुरु को बुलाया, तो गुरु ने भी अपने दिल में उसको बसाया कि मेरा ये प्रेमी भक्त है, उसकी पुकार पहुंच जाती। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी मैं तो भूला परम पिता को याद दिलाने आए तुम, मैं तो भूला परम पिता को याद दिलाने आए तुम। हम भगवान को भूल जाते हैं, मेरे तेरे में उलझ जाते हैं, गुरु अपनी वाणी के द्वारा ईश्वर की स्मृति जगा देते हैं। मैं तो भूला परम पिता को याद दिलाने आए तुम, मैं तो भूला परम पिता को याद दिलाने आए तुम। इस अंधियारे जीवन में फिर
ज्योत जलाने आए तुम इस अंधियारे जीवन में दिल ज्योत जलाने आए तुम बन जाए अनुकूल तुम्हारे बन जाए अनुकूल तुम्हारे बन जाए अनुकूल तुम्हारे बन जाए अनुकूल तुम्हारे विनती है हर बार तेरा सुमिरन मैं करूं बारंबार तेरा सुमिरन मैं करूं गुरुजी बारंबार। तो भजन तो बहुत लंबा है, देर हो जाएगी, पर इतना ही कहूं, ओम रवये नमः। जो स्वयं प्रकाशमान है और दूसरों को भी प्रकाशमान करते हैं, जैसे सूर्य भगवान, हम पटना में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, सुबह हम सूर्य भगवान को अर्घ दें, दिखे कि सूर्य भगवान तो यहीं है सामने, पर उसी समय अगर कोई दिल्ली में सूर्य भगवान का दर्शन करे तो उसको वहां भी दर्शन होते हैं, मुंबई में करे, कलकत्ता में करे, चेन्नई में करे, जहां भी, उसी समय सूर्यनारायण के दर्शन होते हैं। अपने को लगे इतना ही है सूर्य, पर सूर्य इतने नहीं है। उसी प्रकार गुरु भी लगते हैं मानव के रूप में, पर गुरु साधारण मानव नहीं है। मानव के रूप में गुरु साक्षात परब्रह्म। तो चौथा मंत्र सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय बोलने का, ओम भानवे नमः। इसका मतलब जो भ्रांतियां दूर करते हैं, अंधेरे में आदमी ठूंठ को, पेड़ के कटे हुए ठूंठ को चोर समझे, कोई भूत समझे, कोई कुछ समझे, पर वहीं प्रकाश हो जाए तो भ्रांति दूर हो जाती है। अरे ये तो न चोर है न कोई भूत प्रेत है, ये तो पेड़ का ठूंठा है कटा हुआ। तो भ्रांति दूर करते हैं गुरु भी, अज्ञानता को दूर करके हमारे दिल में सद्भाव का प्रकाश करते हैं। हमारे दिल में जो भ्रांतियां बनी होती है, अमुक को देखेंगे तो सुख मिलेगा, अमुक गीत सुनेंगे तो सुख मिलेगा, अमुक चीज खाएंगे तो ही सुख मिलेगा, अमुक के पास बैठेंगे तो ही सुख मिलेगा, ये जो भ्रांति है वो भ्रांति गुरु के ज्ञान से दूर हो जाती है। इसलिए हमारे देश के कई युवाओं के जीवन में भी तेजस्विता बापू जी के सत्संग से आ रही है। मुझे अटलांटा में सत्संग था तो वहां एक लड़के ने बताया, जिनके घर पे मैं रुका था, जवान लड़का, उसने कहा कि मेरे मन में कोई भी प्रश्न होता है ना तो मैं चिट्ठी लिखकर बापू जी की तस्वीर के आगे रख देता हूं और आंखें बंद करके शांत बैठ जाता हूं। तो अंदर ही अंदर गुरुदेव की प्रेरणा होती और मैं काम वैसे करता हूं, सफलता मिल जाती। अब अटलांटा में, अमेरिका में बापू जी बैठे हों भारत में, पर अटलांटा में भी कोई जवान अगर गुरुदेव का सुमिरन और ध्यान करता है तो उसकी भी भ्रांति दूर होकर उसको सद्भाव का प्रकाश मिल जाता है, सही उत्तर मिल जाता है। मूढ़ आदमी इन गूढ़ बातों को नहीं समझेगा। मंथरा राम जी में भी दोष दर्शन कर लेती थी, औरों की तो बात छोड़ दो, मंथरा भगवान राम की माता कौशल्या में दोष दर्शन करती थी और दूसरों को कराती भी थी। ऐसे ही कई चैनल वाले होते हैं जो सच्चे महापुरुष में दोष दर्शन करते हैं और अपनी चैनल के द्वारा दूसरों को भी दोष दर्शन कराते हैं, पर उन बेचारों का दोष दर्शन धरा का धरा रह जाता है। बापू जी के सत्संग में लाखों लोग लाभ लेते रहते हैं, आगे भी लेते रहेंगे, इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं है। हमेशा धर्म कारज में रुकावट पेश आती है, मगर भगवान की मर्जी उसे खुद ही हटाती है। हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जबानों को, ये हानि लाभ और अपयश तेरी भक्ति बढ़ाते हैं। कोई अगर हाथ में मिट्टी लेकर सोचे कि मैं सूरज को मैला कर दूं तो सूर्य तक मिट्टी नहीं पहुंचेगी, वो मिट्टी घूम फिर कर फेंकने वाले के मुंह को ही गंदा कर देगी। इसलिए मूढ़ता भरी बातें फैलाने की अपेक्षा समाज में कुछ अच्छाई की सुगंध फैलाएं,
गटर की बदबू फैलाने की अपेक्षा गुलाब और मोगरे के फूलों की सुवास फैलाओ। भगवान ने कुछ अक्कल दी है, योग्यता दी और अधिकार दिया है, तो उसका सदुपयोग करो, समाज तक अच्छाई पहुंचाओ ना, सच्ची बात पहुंचाओ। पिछले दिनों कई चैनल वालों ने आश्रम पर जो आरोप लगाए, एक भी आरोप सच्चा साबित करके दिखा दे। चल बोले, टीवी वाले दिखाते हैं कि ये देखो कभी बापूजी का दायां हाथ रहा था, ये क्या बोल रहा है। अरे दायां हाथ, बापूजी का दायां हाथ कौन हो सकता है? हाँ, ये बोले ये बापूजी का दायां हाथ रहा था। मैं 27 साल से आश्रम में रहता हूं, मैं दायां हाथ नहीं हो पाया और कोई हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, कैसे हो सकता है। गुरु एक साधारण मानव नहीं है, गंगा जी साधारण नदी नहीं है, हनुमान जी साधारण वानर नहीं है, गौ माता साधारण पशु नहीं है, उसी प्रकार सदगुरु भी साधारण मानव नहीं है, मानव के रूप में मालिक है वो। उल्लू सूर्य के प्रकाश में अंधा बना रहे तो इसमें सूर्य का कसूर नहीं है, उल्लू के पास आंख नहीं है देखने की। जरा तो सच बोल प्यारे, यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। ए भाई सावधान, कोई भी काम करते समय बहुत सजाग रहना, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, हर कण कण में व्यापक भगवान वो देख रहा है तुम क्या बोल रहे हो। जरा उससे डरो तो सही, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। और ईश्वर का खौफ नहीं तुमको कि तुम एक दिन किसी के कंधों पर उठाकर शमशान में जलाओ जाओगे और तुम्हारे जीव को ले जाएगा वो, तब क्या होगा। यमराज की जब अदालत चलोगे, यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, संभल जा तू बंदे वरना रोना पड़ेगा, संभल जा तू बंदे वरना रोना पड़ेगा। भागवत में आया है भगवान के 14 चर जीव के हर कर्म के साक्षी हैं, हर विचार के साक्षी हैं। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, 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 उसकी नजर से बच ना सका, कोई उसकी नजर से बच ना सका। सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतः क्षीशिरो मुखम, गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं सब जगह मेरे हाथ हैं, सब जगह मेरे पैर हैं और सब जगह मेरा मुंह है। अकबर ने बीरबल के बेटे से पूछा, बताओ भगवान का मुंह किस तरफ है, किस तरफ वो देख रहा है। बीरबल के बेटे ने एक जलती हुई मशाल मंगाई, रात का समय था, मशाल ऊंची उठाकर बीरबल के बेटे ने कहा कि जहां पना इस जलती हुई मशाल का प्रकाश किस तरफ जा रहा है, ऊपर के नीचे दाएं के बाएं।
अकबर ने कहा कि इस जलती हुई मशाल का प्रकाश चारों तरफ है। बीरबल के बेटे ने कहा ऐसे ही भगवान का मुंह सब तरफ है। कोई उसकी नजर से बच ना सका, कोई उसकी नजर से बच ना सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। तो ख्याल रखे, ताड़ की लंबाई आकाश की ऊंचाइयों को छू नहीं पाएगी, परिंदा सूर्य को कभी छू नहीं पाएगा, भंवरा लकड़ी में छेद कर सकता है साहब, भंवरा चांद में छेद नहीं कर सकता, चांद में नहीं कर सकता। सदगुरु गगन के चांद हैं जो शीतलता देते हैं, प्रकाश देते हैं, वहां क्या कुछ कर पाएगा। दोष दृश्य में नहीं दृष्टा की दृष्टि में होता है। समुद्र किनारे कोई बैठे और कंकड़ उछालता रहे कि मैं कंकड़ फेंकूं ताकि समुद्र में उफान आ जाए, परंतु सागर में कंकड़ डालने से सागर में उफान नहीं आएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बातुल भूत बिबस मत वारे, ते नहीं बोलहिं वचन विचारे। जिनके अंदर भूत घुस जाता है ना, वो विचार कर नहीं बोलते कि क्या बोल रहे। पांचवा मंत्र है ओम खगाय नमः। रोज सूर्य को जल देते समय बोलिए, और ये भाव जो अर्थ मैं आपके आगे रख रहा हूं, ओम खगाय नमः। खगोलीय समय के ज्ञान को सूर्य की गति द्वारा ही जाना जाता है। वो फिर उसमें विस्तार में ज्यादा न जाएं। जीवन और मृत्यु के बीच जो समय बचा है, उस दुर्लभ समय का ज्ञान और उस समय की सार्थकता का ज्ञान गुरु के द्वारा होता है। जैसे हमारा जन्म हुआ, समझो मेरी उम्र अभी 40 साल हो गई, 41वां चल रहा है, ठीक है, 40 साल मेरी उम्र बीत गई, पूरी हो गई, पर अब बाकी कितने साल हैं ये क्या पता, 20 हैं कि 25 हैं कि 30 हैं, किसको पता है। तो जीवन और मृत्यु के बीच बचे हुए दुर्लभ समय का ज्ञान और उसकी सार्थकता का ज्ञान, कि अब इस समय को सार्थक कैसे करें, जो बीत गया सो बीत गया, बाकी जो बचा है जो शेष है उसको निर्विशेष की आराधना में लगाया जाए, वो गुरु लगाते हैं। इसलिए ओम खगाय नमः जानकारी देते हैं उसकी सार्थकता की। फिर छठा मंत्र ओम पुष्णाय नमः, माने पोषक शक्तियों के स्रोत, उनके द्वारा हमें पोषक शक्ति मिलती है। जैसे सुबह आप सूर्य की ताजी धूप में बैठे, शरीर पर सूर्य की किरणों का प्रकाश नाभि पर शरीर पर पड़े तो इससे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होता है, सूर्य स्नान जिसको लोग कहते हैं। ओम पुष्णाय नमः पोषक शक्तियों के स्रोत हैं सूर्य और गुरु भी। कैसे मैं आपको बताऊं, देखो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने 6 लेश्याओं के बारे में बताया। लेश्या मीन्स आदमी के शरीर से जो ओरा निकलती है, उसको महावीर स्वामी ने लेश्या नाम दिया। तो 3 शुभ लेश्याएं होती है, 3 अशुभ लेश्याएं होती है, उन तीनों के रंग होते हैं, ये विज्ञानियों ने खोज की है। सोवियत रूस के विज्ञानी क्रिलियान ने हाई फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की, और उस हाई फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफी के द्वारा आपका चित्र खींच लें, फोटो खींच लें उस कैमरा से, तो आपकी शुभ लेश्या है कि अशुभ लेश्या है पता चल जाएगा, अब भी फैसला हो जाए उस कैमरा के द्वारा।
तो शुभ लेश्याएं तीन हैं और अशुभ भी तीन बताई। अशुभ तीन लेश्याओं के तीन रंग हैं, काला रंग, कबूतरी रंग और नीला रंग। ये अशुभ लेश्या के रंग हैं। तीन शुभ लेश्याओं के रंग लाल, पीला और सफेद। उस फोटोग्राफी के द्वारा फोटो लो तो वो ओरा आ जाती है, वो रंग आ जाता है, शुभ के अशुभ उसमें पकड़ा जाता है। जब हाई फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफी के द्वारा सोवियत रूस के विज्ञानी ने जो विकसित की, उसके द्वारा जब बापूजी का चित्र लिया था, बापूजी को बहुत प्रार्थना की उन्हीं लोगों ने कि हम आपका चित्र लेना चाहते हैं। उसके द्वारा जब बापूजी का चित्र खींचा तो वो दंग रह गए और उन्होंने ही बताया, आप उसकी सीडी भी देख सकते हैं किसी को शंका हो तो। उन्होंने ही बताया, कई बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम भी बताए और उनके फोटो जो खींचे थे वो भी बताए। बोले बापूजी की जैसी शुभ लेश्या की तेज आभा है लाल रंग की, ऐसी और किसी में नहीं पाई गई जो बापूजी की शुभ लेश्या, पवित्र ओरा, कल्याणकारी ओरा, वो नहीं पाई गई। होली के दिन में काला रंग पिचकारी में भरकर कोई छांटे तो अपने को अच्छा नहीं लगता, पर पीला रंग, लाल रंग, ये सब अच्छे माने जाते हैं। तो शुभ लेश्या, और गुरु की शुभ लेश्या ऐसी प्रभावशाली है कि उसके द्वारा देश विदेश में बसे हुए लोग सुमरण करके उस शुभ लेश्या का लाभ पा लेते हैं। कई देश विदेश के भक्तों के अनुभव भी आते हैं, वे ध्यान करने बैठे थे और उनको ऐसा अनुभव हुआ, बापूजी की तस्वीर सामने रखकर बैठे थे तो ऐसा लगा कि मानो बापूजी चित्र में से आ रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। और ये कल्पना नहीं होती है, भक्त की भावना वो उन तक पहुंचती और उनकी करुणा शिष्य पर, भक्त पर बरसती है। भक्त उसका लाभ उठाते हैं, अभक्त चूक जाते हैं। इसलिए भगवत गीता अगर आप पढ़ें तो 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, चार लोगों को मेरा गीता का ज्ञान मत सुनाना। चार लोगों को, कौन कौन? एक तो भगवान ने कहा जो अभक्त हैं। श्री कृष्ण को पता था ऐसे लोग होंगे कलयुग में, इसलिए पहले ही बोल कर गए, अभक्त को मेरा ज्ञान मत सुनाना। शबरी आकृति मानव की थी पर प्रकृति देव की थी। भगवान राम आ गए, शबरी देखी राम ग्रह आए। शबरी को भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, भगवान खुद चलकर शबरी के पास आए। शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाए। राम जी आ गए तो शबरी क्या करती है, पहले तो उसकी आंख में आंसू आ गए। तो राम जी ने कहा, शबरी आज तू रोती क्यों है, हम आए तुम्हारे पास और तुम रो रही हो, क्या तुम दुखी हो शबरी? शबरी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं दुखी नहीं हूँ, आपके आने की मुझे बहुत खुशी है, पर आज आपको देखकर, आपके दर्शन करके मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि बेटी भगवान आएंगे, मेरे गुरु का वचन आज सत्य साबित हो गया, मुझे गुरु जी को याद करके रोना आ गया। शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन, मतंग ऋषि मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सामने भगवान खड़े हैं और याद शबरी को गुरु की आ रही है। शबरी का कैसा अपने गुरुदेव मतंग जी के लिए प्रेम था, भक्ति थी, श्रद्धा थी। मीरा का भगवान के लिए कैसा प्रेम था, कैसी भक्ति थी। 5000 साल की दूरी मीरा ने मिटा दी। देखो भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, तीन प्रकार की दूरी होती है, एक समय की दूरी, एक स्थान की दूरी और एक प्रेम की दूरी। स्थान की दूरी मतलब हम पटना में बैठे हों और बापूजी अहमदाबाद में बैठे हों, अथवा बापूजी अभी पटना में हैं और अहमदाबाद के भक्त साधक वो अहमदाबाद में है, कोई सूरत में, जहां भी भक्त हैं तो बापूजी तो अभी पटना में है ना, तो स्थान की दूरी तो हो गई है ना। दूसरी होती है समय की दूरी। समय की दूरी मतलब बापूजी या जैसे कृष्ण भगवान हुए द्वापर युग में, पर मीरा हुई कलयुग में,
भगवान कृष्ण के 5000 साल के बाद मीरा जन्मी ना, तो ये हो गई समय की दूरी, भगवान कब जन्मे, मीरा अब जन्मी। पर तीसरी होती है प्रेम की दूरी। अगर हृदय में प्रेम हो, भक्ति हो, तो स्थान की दूरी होते हुए भी दूरी नहीं रह पाती। ऐसा लगता है कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ साथ। समय की दूरी भी नहीं रहती है, जैसे मीरा ने समय की दूरी भी मिटा दी और भगवान उसके आगे प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश में मीरा समा गई तो पटना के और आसपास के साधक इस प्रेम की दूरी को हम मिटा दें बस, तो फिर ऐसा लगेगा कि बापूजी पटना से या बिहार से गए नहीं हैं, बापूजी हमारे साथ साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उनके आशीर्वाद से हम भी भक्ति में खूब खूब आगे बढ़ रहे हैं, भगवत प्राप्ति के रास्ते पर हम खूब आगे आगे जा रहे हैं। ऐसा एक भाव रखा जाए। खैर, सातवां मंत्र सूर्य को जल देने का, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। हिरण्य गर्भ विश्वात्मा, सब जगह व्याप्त चेतना, हमारे भीतर छुपी हुई स्वर्णिम प्रतिभाओं का भान कराने वाले। मैंने पहले ही कहा ना, भगवान की प्रतिमा होती है, गुरु की प्रतिभा होती है। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, पर प्रतिभा की प्रतिष्ठा नहीं, गुरु की प्रतिभा में शिष्य की निष्ठा होती है, उससे शिष्य को बहुत लाभ होता है। तो हिरण्य गर्भाय नमः, जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, सुगंधी है, पर सूंघे वो घास गंदी। मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी, क्योंकि पता नहीं है। ऐसे ही भक्त को, मनुष्य को अपनी महिमा का, अपनी ऊंचाई का पता नहीं होता। जैसे एक बीज कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है, ये बीज को पता नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य कितना महान हो सकता है, ये मनुष्य को पता नहीं होता, पर गुरु की कृपा से पता चल जाता है और ध्यान साधना करता हुआ उस अपनी महानता का अनुभव कर लेता है। तो वे लोग धनभागी होते हैं जो ऐसी जगह पर पहुंच पाते हैं। ओम मरीचय नमः, आठवां मंत्र सूर्य को जल देने का, माने उस मरीचिका की पहचान कराने वाले। जो प्रतीत तो होती है, प्राप्त नहीं होती। जैसे मरुभूमि में, रेगिस्तान में दूर से पानी प्रतीत होता है, पर पानी होता नहीं। और आपने देखा दूर से पानी दिख रहा है, आप एक बार जाके आए, पता चला कि अरे पानी नहीं है, तो रेती है, बालू है। फिर आप शांति से बैठे हैं, कोई 5-10 लोग दूसरे आए, वो कहने लगे अरे वो देखो दूर पानी दिख रहा है, और आपको बोले चलो चलो उधर पानी दिख रहा है पीने चलें, तो आपको पता होगा कि अरे पानी नहीं है प्यारे, उधर मत जा, थकेगा, परेशान होगा, शांति से इधर ही बैठ। अरे बोले नहीं नहीं चलो हम भी आपको ले चलते हैं, उधर पानी है, वो देखो पानी दिख रहा है, तो वो उनको समझाएगा कि अरे भाई हमने देख लिया है, पानी वानी है नहीं कुछ। अरे नहीं नहीं चलो दिख रहा है, तो वो उनके साथ जाएगा भी, पर अंदर से समझेगा कि वहां तो रेती ही है, बालू है, पानी नहीं है। ऐसे ही सत्संग और भक्ति के अभाव में मनुष्य को संसार में सुख दिखता है, पर गुरु हमारे बीच आ जाते हैं और हमें सीख दे देते हैं कि संसार में नहीं, भगवत प्राप्ति में सुख है। और संसार में रहने की मना नहीं है, जैसे नाव पानी में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर पानी नाव में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही बापू जी ऐसी कृपा कर देते हैं कि संसार का विषय विकार रूपी जल वो इस मानव काया रूपी नाव में न आने पाए, ऐसी कृपा पूज्य बापू कर देते हैं और हमारा जीवन ऊंचा उठाते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में से व्यसन छूट गए, बीमारियां दूर हो गई, तनाव दूर हो गए। गुड़गांव की एक बहन मिली, ईश्वंती देवी, उसने बताया हमारे सिर पर 16 लाख रुपया कर्जा था, पर बापूजी के सत्संग से और दीक्षा से ऐसा तो पति को सदज्ञान मिला कि शराब छोड़ दी और अपने काम में ध्यान दिया, 16 लाख कर्जा भी उतर गया और अभी अपनी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, सब बढ़िया है। सत्संग से सदज्ञान मिले, सत्संग से भगवान मिले।
पानी से पौधा खिलता है, सत्संग से सुख मिलता है। जैसे पानी से पौधा खिलता है, ऐसे गुरु के सत्संग से हमारा हृदय कमल खिल जाता है। सूर्योदय होता है तो सूर्यमुखी कमल खिलता है, चंद्रोदय होता है तो चंद्रमुखी कमल खिलता है, पर गुरुदेव जब पधारते हैं मंच पर तो साधकों का हृदय कमल खिल जाता है। तो नौवां मंत्र सूर्य को जल देने का, ओम आदित्याय नमः, माने मां अदिति के बेटे हैं सूर्य। कश्यप जी की पत्नी अदिति, अदिति के बेटे सूर्य। ओम आदित्याय नमः, माने उनकी मां भी कितनी महान, मां अदिति सचमुच महान है। 11 दिन तक मां अदिति ने पयो व्रत किया था, दूध पर रहकर 11 दिन अनुष्ठान किया था, भागवत में वो वर्णन है। खैर उस विस्तार में न जाएं, पर हमारे देश में माताएं बहनें सचमुच बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकती है, क्योंकि बहनों में भावनाएं बहुत होती हैं। अगर उन भावनाओं को गलत दिशा में कोई मोड़ देता है तो फिर पतन भी उतना होता है, पर उन भावनाओं को सही दिशा में मोड़ते हैं तो उन्नति भी उतनी होती है। हमारे भारत देश में देखो, बहनें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंची हैं, नहीं पहुंची, बोलो बहनों। अभी राष्ट्रपति हमारे देश में एक महिला ही तो है, हमारे देश की राष्ट्रपति। हमारे देश में बहनें मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गई, कलेक्टर के पद पर पहुंच गई, मिनिस्टर और एमपी के पद पर पहुंच गई, कई बहनें एमएलए हैं, मंत्री हैं। और अगर बहनें अपनी भावनाओं को दिशा दे दें तो सती अनुसुया और सती सावित्री की तरह महान भी तो हो सकती हैं। यहाँ बहनें माताएं इतनी संख्या में बैठी है, ये क्या है, ये उसी महानता का परिचय है। अगर बहनें और थोड़ा घर में रहते हुए घर का कामकाज किया, फिर थोड़ी देर चुप होकर बैठ गए, शांत जीभ तालू में लगा दी, मानसिक जप कर लिया, भोजन बनाते समय भी बहनें जीभ तालू में लगी रहे, मन में भगवान का नाम चलता रहे और भोजन बनता रहे, तो वो भोजन खाने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। वो भोजन नहीं रहेगा, वो तो प्रसाद बन जाएगा। बाकी खाना बनाते बनाते दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये गाने सुनते सुनते खाना बनाया, तो खाना बनाने वाले के दिल के हजार टुकड़े तो खाने वाले के तो लाख टुकड़े हो जाएंगे बेचारे। इसलिए भगवान का नाम, आटा गूंथते समय आटे में पानी डालें तब भी मन में भगवान का नाम चले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार भोजन बनाते समय भी ये भाव रहेगा तो वो भोजन प्रसाद होगा कि नहीं होगा। इसलिए घर की सात्विकता बनी रहे तो माताएं
आदित्याय नमः, सूर्य भगवान माँ अदिति के बेटे। कितनी महान उनकी माता और गुरुदेव की माँ माँ महंगी बा, कितनी महान। सभी माताओं को उन्होंने ऊंची विद्या दी है। कौशल्या माता ने भगवान राम को अपनी कोख से जन्म देकर सभी माताओं को शिक्षा दी है कि ऐसी संतान को जन्म दें। स्वामी विवेकानंद की माता कितनी महान, रामकृष्ण परमहंस की माता कितनी महान, गुरु नानक देव जी की माता कितनी महान। इन महापुरुषों की माताएं हमें प्रेरणा देती है कि हम भी ऐसा ग्रस्त जीवन जिए कि अपनी संतान ऐसी महान हो, अपने बच्चों को ओजस्वी और तेजस्वी बनाया जाए। बाल संस्कार नाम की पुस्तक घर पे जरूर ले जाएं, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे खुद पढ़े तो अच्छा, नहीं तो आप पढ़कर सुनाएं। सेवा का कार्य करें, सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। सेवा भी एक प्रकार की साधना है, क्रिया शक्ति का सदुपयोग। जटायु ने भगवान राम को कहा कि प्रभु, मैं और मेरा भाई संपाति सूर्य तक पहुंचना चाहते थे, पर हम पक्षी सूर्य तक कैसे पहुंच पाते। सो मैं तो लौट आया, पर मेरा भाई आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो सूर्य की तीखी किरणों से उसके पंख जल गए और वो गिर पड़ा नीचे, रोने लगा कि हाय रे हाय, मेरे पंख जल गए, मेरा जीवन बेकार हो गया। इतने में प्रभु चंद्रमा मुनि नाम के एक संत मेरे भाई के पास आए और मेरे भाई को कहा कि बेटे चिंता मत करो, पंख जल गए तो जीवन बेकार थोड़ी हो गया, तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना, तुम अपनी आंखों का सदुपयोग करना, तुम समुद्र किनारे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं, वहां भगवान का भजन करना। राम जी के दूत जब सीता जी को खोजते हुए समुद्र किनारे आ जाएं, तुम उनको सीता जी का पता बताना, इतनी सेवा करना, इतनी सेवा कर लेना बस। प्रभु चंद्रमा मुनि नाम के संत ने मेरे भाई को कहा कि राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाते लगाते समुद्र किनारे आएंगे, तब तुम अपनी दृष्टि का सदुपयोग करना, अपनी आंख का सदुपयोग करना। गिद्ध पक्षी दूर तक का दृश्य देख सकता है, तो तुम दूर तक का दृश्य देखकर उनको बता देना सीता जी कहाँ बैठी है। इतनी तुम्हारी सेवा हो जाएगी तो इस सेवा के प्रभाव से तुम्हारे नए पंख फूट निकलेंगे। प्रभु मेरे भाई ने इतनी सेवा की, और मैंने सेवा में अपने प्राण दे दिए, अब मैं जा रहा हूं। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर कि मेरा अंतिम श्वास आपकी गोद में आपके चरणों में निकल रहा है। जटायु ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने इतनी सेवा की है, आप तो भगवान हो, जरा मेरे पंख जोड़ दो ना, ऐसा नहीं कहा। आज का कोई सेवक होता तो शायद बोलता, पर जटायु ने नहीं कहा। जटायु ने कहा प्रभु बस मेरा अंतिम श्वास आपके चरणों में निकले, यही प्रार्थना है। और भगवान राम के चरणों में आखिरी श्वास लिया और जटायु भगवान के धाम में गए। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए उपरम बड़ भागी। और वहां संपाति ने सेवा की तो संपाति के नए पंख फूट निकले और उड़ान भरते भरते संपाति राम जी के पास आए और उन्होंने भी राम जी का दर्शन पाया। ये सेवा की महिमा है। हम बाल संस्कार पुस्तक दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, अपने पैसों का उपयोग अच्छे काम में करें। अगर भगवान ने पैसे नहीं दिए तो अपने समय का उपयोग अच्छे काम में करें, तो हमारे देश के और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हम इतनी सेवा करें, और मैं मानता हूं ये राष्ट्र उत्थान का देवी कार्य है। हम हमारे देश की संपत्ति और हमारे देश की संस्कृति की रक्षा की खातिर भी कुछ करें। हमारे देश में विद्यार्थियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा अन्याय हुआ। इन गंदी अभागी विदेशी चैनलों ने हमारे देश के विद्यार्थियों को बहुत गलत दिशा में मोड़ा है। मैं एक बार कहीं रुका था तो वहाँ टीवी था, मैंने चालू किया टीवी तो उस पर दिखा रहे थे कि हमारे देश, प्रश्नोत्तर का कोई कार्यक्रम था, कि हमारे देश के विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स के हैं वो इतने सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, आप कुछ कहेंगे?
तो वो फिर बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, कि उन विद्यार्थियों के जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो पांचवें स्थान पर राहु बैठा होता है, सातवें पर ये बैठा होता है, नौवें पर ये बैठा होता है, इसीलिए वो विद्यार्थी मैथमेटिक्स में सक्सेस नहीं हो पाते। अरे क्यों लोगों को गलत राह पर ले जा रहा है प्यारे, तुझे क्या चाहिए? तू अपना रुपया कमाने के लिए इतने विद्यार्थियों को गुमराह कर रहा है कि जन्म कुंडली में पांचवें पर ये बैठा है, सातवें पर ये बैठा है। एक लड़का पढ़ने में कमजोर था, उसकी माँ ने जन्म कुंडली दिखाई एक ज्योतिषी को, ज्योतिषी ने बताया आपका बेटा पढ़ने में कमजोर रहेगा, ये घटित घटना है, आपका बेटा पढ़ने में कमजोर ही रहेगा। माँ ने कहा ठीक है, बेटे को ले आई बापूजी के सत्संग में, सारस्वत्य मंत्र दिला दिया और बेटे ने भी लगन से जप किया, सूर्य भगवान को जल देता, प्राणायाम करता और मौन रहता थोड़ी देर, वही बच्चा 99% से पास हुआ। तो माँ ने ज्योतिषी को कहा आप तो कहते थे पढ़ने में कमजोर रहेगा, ये 99% लाया है। ज्योतिषी ने कहा कि माँ आपका बेटा जरूर कोई जप करता है। बोले हाँ बापूजी ने इसको विद्या की देवी माँ सरस्वती का मंत्र दिया है। तो ज्योतिषी ने कहा कि जप के प्रभाव से आपके बेटे के ग्रहों की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया है, ये जप की महिमा है। और डॉक्टर जॉन डायमंड ने रिसर्च की कि जीभ ऊपर थोड़ी गोल करके ऊपर तालू में लगा दें तो दायां मस्तक और बायां मस्तक मानसिक संतुलन बढ़िया बना रहता है, विद्यार्थी को घबराहट नहीं होती और घबराहट नहीं होने से विद्यार्थी का पेपर बढ़िया जाता है, पेपर बढ़िया जाता है तो रिजल्ट अच्छा आता है। अब इसमें पांचवें स्थान पर राहु और सातवें पर केतु की बात ही कहां रही। विद्यार्थियों को डराने वालों को कम से कम विदेश के विज्ञानी डॉक्टर जॉन डायमंड की सलाह तो माननी चाहिए। उन्होंने रिसर्च की और उसका मैंने भी अनुभव किया है, आप भी कर सकते हैं। कभी कभी आपको कोई घबराहट पैदा हो, ऐसी कोई बात सुनाए ना, आप तुरंत अपनी जीभ को तालू में लगा दें, आपको इतनी घबराहट नहीं होगी और आप डिसीजन बढ़िया लेंगे। डिसीजन अच्छा लेंगे बढ़िया ही होगा, लोग कई घबरा जाते हैं। हमारे देश में बहुत विद्यार्थियों को बेचारों को गुमराह किया जाता रहा, ये अंगूठियां पहनो, ये नंग पहनो, ये पहनो, ये पहनो, हाथ में ये बांधो, काय को बांधना। सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। कलकत्ता से एक ज्योतिषी आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे भी कहा था कि अमुक नंग आपकी पहली उंगली में पहनो अंगूठी में डालकर। मैंने कहा ज्योतिषी जी वो हैं सच्चे आदमी, इसमें कोई ना नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं जानता हूं उनको, कलकत्ता की समिति में सेवा भी करते हैं, अच्छे आदमी हैं। पर मैंने उनको कह दिया बिल्कुल अच्छी तरह से, मैंने कहा ज्योतिषी जी राम और रावण की राशि एक ही थी, रा रा तुला राशि एक नहीं हुई भाइयों, बोलो तो राशि हुई ना एक, कंस और श्री कृष्ण भगवान राशि एक है, कृष्ण कंस, मीरा और मंथरा राशि एक है, ध्रुव और धृतराष्ट्र राशि एक है, शबरी और शूर्पणखा राशि एक है, पर कहां मीरा, कहां मंथरा, कहां ध्रुव, कहां धृतराष्ट्र, कितना फर्क है। राशि के नंग पहन लेने से किसी का भाग्य नहीं संवर जाता, दिल में भगवान और गुरु की भक्ति का नंग धारण कर लो तो सब बढ़िया हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, और पुरुषार्थ भी करें। रबर स्टैंप पर अक्षर उल्टे छपे होते हैं, पर स्टैंप पैड से स्याही लेकर कागज पर ठप्पा लगा तो अक्षर सीधे दिखाई देते हैं। ऐसे ही भाग्य के अंक भले उल्टे हों पर गुरु कृपा की स्याही का संयोग हो जाए तो भाग्य के उल्टे अंक भी सुलटे दिखाई देते, सीधे हो जाते हैं। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा है, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे अभी सूरत के आश्रम में एक पूनम व्रतधारी आए थे, कोटा से, राजस्थान में कोटा, वहाँ से आए थे। वो हर साल माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाते थे। उन्होंने मुझे बताया, बोले मुझे बापूजी तक तो माँ वैष्णो देवी नहीं पहुँचाया है, माँ ने ही स्वप्न में प्रेरणा की ऐसी, जो मैं बापूजी के पास पहुँच गया, दीक्षा ले ली, तब से बहुत बढ़िया है। उनका अपना मेडिकल का काम है, बड़ी दुकान है अपनी, और हर महीने पूनम को आते हैं बापूजी के दर्शन करने को। ऐसे और भी कई, एक व्यक्ति ने बताया वो गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर, हर साल केदारनाथ जाते थे,
ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर, हिमालय तु केदारम, वहाँ जाते थे। एक बार शिव जी के मंदिर में वहाँ ज्योतिर्लिंग के आगे प्रार्थना की कि भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है, धन संपत्ति बेटा बेटी किसी चीज की कमी नहीं है, पर अब भक्ति दे दो प्रभु, अनन्य भक्ति, ये सब तो छूटने वाली चीजें हैं भगवान, मुझे भक्ति चाहिए। प्रणाम करके लौटे, केदारनाथ से 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है गौरीकुंड तक, कोई साधु संत गए होंगे, मैं तो गया था। पैदल आए और वहाँ से अपनी कार लेकर ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में एक इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की दुकान थी, वहाँ से कुछ खरीदने गए तो उसके पास बापूजी के सत्संग की कुछ कैसेटें पड़ी थी तो उससे ले ली और गाड़ी में सुनते गए ऋषिकेश से गोरखपुर तक। उनको हुआ कि वाह, मैंने भगवान केदारनाथ को प्रार्थना की और उन्होंने इतनी जल्दी सुन ली, अब मैं इनसे ही दीक्षा लूँगा। कैसेट के कवर पर एड्रेस पढ़ा, फ़ोन नंबर देखा, अहमदाबाद बात की कि कार्यक्रम कब है, फिर आए गुरु पूर्णिमा के पर्व पर और दीक्षा ले ली। और उनको लगा कि वाह बापूजी कैसे हैं, कि बापूजी में राम सा स्वभाव है, कृष्ण सा प्रभाव है, शिव जैसा सद्भाव है, हरि नाम का लुभाव है और बापूजी में कामना का अभाव है। और गुरुदेव के सत्संग को विचारते विचारते जप तप करते करते भक्तों के स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। तो ओम आदित्याय नमः, 10वां मंत्र ओम सवित्रे नमः, माने उदय होते ही जागृति प्रदान करने वाले, आलस्य तंद्रा निंद्रा आदि को दूर करने वाले। बापू जी की उपस्थिति भी हमें मोह की नींद से जगा देती है, जागृति देती है। मोह की नींद माना इसके बिना नहीं चलेगा, इससे मिले बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, अमुक से शादी किए बिना नहीं चलेगा, ये मोह की नींद है। तो बापू जी की वाणी और बापू जी की उपस्थिति इस मोह की नींद से जगा देती है और उसी का प्रभाव है कि इतनी संख्या में घंटों भर बैठे रहे। देखो ना इतनी बहनें, जगह नहीं है बैठने की, कैसे बैठे हैं आप? मैं तो फिर भी खुली जगह है, आराम से बैठा हूँ, पर आप लोग कैसे बैठे हैं ये आप ही जानते हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? कैसे बैठे, जगह ही नहीं बैठने की, एकदम नज़दीक 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 नज़दीक। और कई लोग तो दोपहर को खाना खाने भी नहीं जाते, जगह रोकने के लिए बैठे रहते हैं आगे, कि जाएंगे तो जगह चली जाएगी। मुआ खाना तो बोले रोज खाते हैं ना, पर उठकर जाएंगे खाने तो जगह जाएगी, फिर बापूजी के नज़दीक से दर्शन नहीं होंगे, इसलिए भले खाना रात को घर जाके खाएंगे, देखा जाएगा। अभी तो बापूजी के चरणों में सच्चा आहार मिल रहा है, भक्ति का, ज्ञान का, संसार से वैराग्य और ईश्वर में प्रेम, ये सच्चा खुराक है। तो खाना भी नहीं खाते कई लोग, ऐसा मेरा दिल कहता है, कई लोग खाने नहीं जाते हैं, बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं। गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छूट प्यास गई, नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा। तो ऐसा होता। और ओम अर्काय नमः 11वां मंत्र, माने ऊर्जा और शक्ति के दाता हैं सूर्य, एक ऐसा अर्क देते हैं जो अमृत के समान पावन है और जीवन दान देता है, बहिरंग और अंतरंग रोग मिटा देता है। कितना भी बीमार आदमी हो, सुबह सूर्योदय के समय अपने को स्वस्थ महसूस करेगा और धूप आदि करके प्राणायाम करे, ओमकार का जप करे, तो अपने आप तबीयत अच्छी होगी। मैं बीमार हूँ, तो बीमारी को भी लगेगा कि इसके पास रहने जैसा है, तुमने पुकारा हम चले आए। मैंने कल कहा था, कल सब नहीं थे इसलिए फिर से कहूं, एक लड़का लव मैरिज कर रहा था एक लड़की से, तो शादी के दिन क्या हुआ, जब जाने लगे ना वर कन्या, तो दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मार दी। क्यों मार दी? उसका मोबाइल बजा था, दूल्हे का मोबाइल बजा था, मोबाइल की रिंगटोन कुछ अजब गजब की थी, इसलिए दुल्हन नाराज हो गई और थप्पड़ मार दी। क्या बजा बताऊं मैं महाराज, बताऊं? ये वहां बजा था, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने सुनी है बात, दूल्हे का मोबाइल बजा। गाऊं?
फिर कभी गा लेंगे, अगली बार देखेंगे। दुल्हन ने थप्पड़ मार दी उसको। दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। आप बताओ दुल्हन नाराज होगी कि नहीं होगी? तू मौत का सामान लेकर जा रहा है, ऐसे लोग बोलो। पर यहां जो साधक आए हैं उनका दिल क्या गाएगा? दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले, दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले, दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले, दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले। हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले, हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले, हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले, हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले। ज्ञान को लेकर हम चले, दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले। ओम अर्काय नमः। एक ऐसा अर्क जो बाहर के रोग भी मिटा दे और भीतर के रोग, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ईर्ष्या विकार, ये भी मिटा दे, ऐसा गुरु का प्रभाव होता है, गुरु का सुमरण होता है। शिष्य अगर इस भाव से सूर्य को जल देते समय ये भाव लाए, ये मंत्र बोलते समय, तो उसको बहुत लाभ होगा। 12वां मंत्र ओम भास्कराय नमः। माने ऐसी ज्योति है जो बुझती नहीं है, सूर्य कभी बुझ सकता है? उसी प्रकार एक आत्म ज्योति ऐसी है जो कभी बुझती नहीं, उसका अनुभव जो गुरु कराते हैं, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। इस अर्थ में यह मंत्र बोला जाता है ओम भास्कराय नमः। यह 12वां मंत्र। और 13वां ओम श्री सवितु श्री सूर्य नारायणाय देवताभ्याम नमः। इतने सब दिव्य दैवी गुण देने वाले और कल्याण करने वाले हे सूर्य भगवान, गुरु भगवान, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। ये 13 मंत्र एक बार सभी मिलकर उच्चारण कर लेंगे, अर्थ आपने सुन ही लिया। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितु श्री, ओम श्री सवितु श्री सूर्य नारायणाय देवताभ्याम नमः, सूर्य नारायणाय देवताभ्याम नमः।
ये तेरा मंत्र जरूर बोलिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल देते समय। अपने बच्चों को भी सिखाइए, आपके बच्चे जरूर जरूर तेजस्वी होंगे, उनके जीवन में भी बरकत आएगी खूब खूब।